बस ठीक है ना, अगर वो तलाक चाहता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और देखो, एक मेरी ही तलाक तो नहीं हो रही ना इस दुनिया में। मर्फ, हमें तुम्हें बहलाना चाहिए और तुम हमें बहला रही हो। हाँ मर्फ, क्या वाकई तुम्हारी तलाक हो रही है? क्या यकीन है तुम्हें? क्यों ना तुम दोनों साथ में बैठकर बात कर लो, हो सकता है फासले की वजह से ये फैसला कर लिया हो। ये फैसला मेरा नहीं है सेलिन, वापस ना आने वाला भी बोरो है और तलाक देने वाला भी बोरो है। अब मैं अपनी शादी बचाने के लिए अंतालिया तो जाने से रही, और इस तरह करने से मेरी जिंदगी के तमाम मकसद खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बोरो की बीवी बन के रह जाऊंगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ जानती हूँ, कुछ लोगों के लिए इतना भी बहुत होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मर्फ, बहुत अफसोस हो रहा है। मर्फ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तलाक की बात हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तलाक हो जाएगी। उससे रابطہ खत्म मत करना। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। मैं इंतजार करूंगी उसका, लेकिन मेरा फैसला अटल है। कैसा फैसला? यही कि कोई भी मुझ पर रहम खाए ये मैं नहीं चाहती। मैं इस आजमाइश का सर उठा के सामना करूंगी, और मेरे नखरे मत उठाना तुम लोग। मैं रोऊंगी तो मुझे रोने देना, मिलना होगा मिलेंगे, रोना होगा रोएंगे, और हंसना होगा तो हंसेंगे, ठीक है? मर्फ, क्या वाकई ये फैसला तुम्हारे हक में है? ये तो मैं नहीं जानती सेलिन, पहली बार ऐसी सूरत हाल से सामना हुआ है। मेरे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जो भी हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है? हम हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हैं, सब ठीक हो जाएगा। कितने अच्छे दोस्त हो तुम लोग मेरे, तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता। लेकिन हम तो है ना साथ। हाँ ना मर्फ। नहीं जाऊंगी। कहाँ गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ है फारूक? हाँ, यानी अब तुम्हें सलाम करने की भी कोई वजह होनी चाहिए। समझ गया, जबरदस्त, बहुत खूब। फारूक, तुमने मुझे सलाम नहीं किया बल्कि पूछा था कुछ। देखो बुर्राक, तुम इस तरह से मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझसे सारे बुरे काम करवा कर अब तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। गुड मॉर्निंग बुराक। गुड मॉर्निंग। बहुत मुबारक हो सेलिन, तुमने और एलूल ने कमाल कर दिखा। हाँ बस, बॉसेस की गैर मौजूदगी में हमने छोटी सी कोशिश की। जबरदस्त। तुर्कान साहिबा का प्रोजेक्ट बहुत ही मुश्किल होने वाला है, तो बेहतर होगा कि पेंडिंग वर्क पहले निपटा लो। एक क्लाइंट को टाइल्स पर शादी की तस्वीरें लगवानी है, और इरम साहिबा को वो हैरत अंगेज छत। सही। चलो ठीक है फिर, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं अपने काम पे लगती हूँ। क्लाइंट को टाइल्स पर अपनी शादी की तस्वीरें लगानी है? उन्हें शादी की इतनी खुशी है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो ठीक है, मैं क्लाइंट से बात करके डेडलाइंस की क्लियरेंस दे दूं। नहीं तो तुम्हें क्लाइंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा हम साहिबा का प्रोजेक्ट देख रही हो, वही देखो, क्लाइंट से मैं बात कर लूंगा। चलो ठीक है, तुम ही डील कर लो। क्या मैरिड कपल है, और बहुत खुश भी हैं दोनों। अच्छा, खुश होना भी चाहिए, शादीशुदा जो है।